मॉर्निंग वेलकम वेलकम एंड बैक टू चैनल आज का दिन स्टार्ट हुआ वही रूटीन वर्क से सबसे पहले तो मैंने अपना बेड बनाया उसके बाद मैंने अपनी विंडो के कर्टेन्स खोले ताकि थोड़ी सी फ्रेश लाइट आए मेरे रूम में सनलाइट आए थोड़ी सी एंड देन आई वेंट ऑन टू टेक अ अर हाई गाइज वेलकम अगेन मैं बहुत देर बाद आपको अपनी शक्ल दिखा रही हूँ एंड ऑल्सो आई हैव बीन सो इनकन्सिस्टेंट विद माई यूट्यूब दीज डेज और मेरी पढ़ाई okay. भी मतलब बहुत ऐसी ऐसे हो रही थी बट फाइनली इट्स टाइम टू गेट बैक टू रूटीन अब मैं अच्छे से ब्लॉगिंग भी करने वाली हूँ और पढ़ाई okay. भी मतलब एकदम प्रॉपर जो हम स्टडी रूटीन बना के प्रॉपर टूटूलिस्ट बना के पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ूंगी नहीं तो अभी इतने दिन से मैं कुछ कुछ पढ़ रही थी अभी ये पढ़िया अभी वो पढ़िया सो so, या yeah, अब हम आज से अच्छे से पढ़ने वाले हैं और व्लॉगिंग भी मैं अब थोड़ा कंटिन्यू करने वाली हूँ अच्छे से सो so, या yeah, सबसे पहले तो अपनी टू डू लिस्ट बनानी है भी मुझे दिन के लिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे आगे की सो लेट्स गो एंड मेक आ टू डू लिस्ट फर्स्ट सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे और ये देखने में थोड़ी सी छोटी लग रही है पर इसको कम्प्लीट करने में मुझे पूरा दिन लग ही जाएगा और ये एम टी मतलब मॉक टेस्ट होता है और अभी सबसे पहले तो मैं अपना एडिटोरियल से स्टार्ट करने वाली हूँ सो लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल फर्स्ट एडिटोरियल के लिए मैं मोस्टली निमिषा बंसल मैम की ही क्लास अटेंड करती हूँ तो पहले मैंने उनका ही एडिटोरियल की वीडियो सर्च करी थी लेकिन आज उन्होंने एडिटोरियल की वीडियो अपलोड नहीं करी थी आई डोंट नो वाई तो फिर इसलिए मैंने अट्टा ट्वेंटी फ़ोर सेवन पे संतोष सर पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो फिर मैंने उनका चैनल सर्च करा और उनकी वीडियो से आज मैंने एडिटोरियल कम्प्लीट करा अपना एडिटोरियल कंप्लीट होने के बाद ना मैंने करी थी कोडेड सिलोगिज्म की क्लास अटेंड और मैंने ना कोडेड सिलोगिज्म कल भी पढ़ा था वो मैंने सौरभ सर की आरबीआई ग्रेड बी के लिए उसके क्वेश्चंस थे वो वाली वीडियो से पढ़ा था और आज मैंने सर्च करा तो मुझे ये ध्रुव सर की वीडियो मिली ऊपर ऊपर पे ही थी तो मैंने उससे पढ़ा क्योंकि मेन्स के लिए थोड़ा सा कॉन्टेंट कम्पेरेटिवली कम मिलता है तो मैंने सोचा कि ध्रुव सर से पढ़ के देखते हैं मैंने उनसे पहले कभी पढ़ा नहीं है बट उनने भी अच्छा पढ़ाया था तो मैंने उनसे ये कोडेड सिलोगिज्म क्लास अटेंड करी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने किया था ये प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व और मैंने 2018 का किया था क्योंकि उसके बाद के मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ सॉल्व और ये मैंने क्वेश्चन खोले तो सॉल्यूशन खुल गए तो फिर मैंने सोचा कि शायद सॉल्यूशन में क्वेश्चंस होंगे और बिल्कुल वैसा ही था सोल्यूशन खोले तो फिर क्वेश्चन खुले क्वेश्चन पेपर खुला तो फिर मैंने वो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया ये ना पेपर सेक्शनल वाइज दिया हुआ था तो सबसे पहले तो मैंने रीजनिंग का पेपर सॉल्व करा और मैंने ना कोई टाइम अलॉट नहीं कर रखा था क्योंकि मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना था और अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग करती तो फिर मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन स्किप करने पड़ते जो मैं नहीं करना चाहती थी और यहाँ ना मैंने सारे आंसर्स एक ही जगह पर लिख रखे थे सॉल्व मैंने अलग से करा था ताकि मैं अच्छे से अपने आंसर्स चेक कर पाऊँ और फिर एनालिसिस करने के बाद मैं गई थी अपनी बालकनी में क्योंकि दिवाली आने वाली है और हमारे बालकनी में लाइट्स लग चुकी हैं जो बहुत ही अच्छी लग रही थी सबके घर पर लाइट्स लग चुकी हैं मैंने अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया है मतलब वो सेक्शनल वाइज था लाइक रीजनिंग क्वांट इंग्लिश का तो वो मैंने अभी तीनों कर लिए हैं उनका एनालिसिस भी कर लिया है और अब मैं करने वाली हूँ करंट अफेयर्स की क्लास जो मैं पहले वीडियो से बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी मैं मोस्टली पी से पढ़ती थी और वीडियो कम देखती थी उतना रेगुलरली नहीं देखती थी पर अभी अक्टूबर से ले अभी नवम्बर चल रहा है तो अभी मैं रेगुलरली वीडियो भी फॉलो कर रही हूँ और मैं अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए तो पहले तो करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड कर लेते हैं अपनी आज अभी हम आए हैं बाहर दिवाली शॉपिंग के लिए और मैंने रंगोली के लिए बहुत सारे कलर्स लिए थे और हमें दिए भी लेने थे और बाकी जो भी पूजा का सामान लेना था वो सब हम लेके आए सो आई एम बैक मैं घर आ चुकी हूँ और अभी लास्ट चीज़ मुझे एक करनी है वो है ये द वायरल मैथ्स की बुक ये मुझे पढ़नी है अभी तो मोस्टली मैं इसको सुबह पढ़ती हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा अच्छे से रिविजन भी हो जाता है लेकिन आज मैंने नहीं पढ़ी थी सुबह तो अभी मैं इसको पढ़ूँगी और ये मेरी पूरी कम्प्लीट नहीं हुई है इसको थर्टी डेज़ में कम्प्लीट करना होता है तो अभी मैं इसमें डेसिमल पढ़ रही हूँ मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं जैसे ही कुछ नया पढ़ने वाली हूँ जैसे स्क्यर्स की ट्रिक या स्क्वायर रूट्स की ट्रिक तो उससे पहले मैं जो शुरू में जो भी पढ़ा है उसको भी रिवाइज़ करती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम बम जिसको कंप्लीट करने में तो so, अभी आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल तो अभी वो पढ़ लेती हूँ एंड देन आई एंड देन आई विल स्लीप सो या वायरल मैथ्स की बुक में ना हर अप्रोच या ट्रिक समझाने के बाद पीछे एक्सरसाइज दी होती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हमको वो ट्रिक अप्लाई करके उनको सॉल्व करना होता है तो उससे ना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है तो मैंने वो करा सो आई एम डन विद माई स्टडीज़ और आज हमने काफ़ी सिस्टमेटिकली पढ़ाई करी हमने अपने टारगेट्स भी कम्प्लीट करे आई होप कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रख पाऊँ एंड आई एम एंटिंग दिस वीडियो हेयर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई एल सी यू गैस इन माई नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय